इसका वीडियो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, और उस क्रम में हम लोग देखे हैं कि एक सूट सिस्टम होता है जो जमीन के ऊपर होता है और एक रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर। आगे हम लोग एक टिपिकल प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और हमें अगर पार्ट्स की बात की जाए तो ये तो बात स्पष्ट है कि दो भागों में मुख्यतः बांटते हैं, एक जमीन के अंदर और एक जमीन के बाहर, जिसे हम सूट सिस्टम और रूट सिस्टम कहते हैं। तो मित्रों, पहले हम लोग देखें कि रूट सिस्टम कैसे डेवलप करता है। तो एक टिपिकल सीड की अगर बात करें तो सीड के जर्मिनेशन के समय रेडिकल सीड से बाहर आता है और उस रेडिकल से रूट डेवलप करता है, और धीरे धीरे जब रेडिकल बढ़ता है तो उसके आगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह से रूट डेवलप करते जाते हैं। और सूट सिस्टम सीड के जर्मिनेशन के समय प्लूम्यूल से डेवलप करता है, और प्लूम्यूल धीरे धीरे आगे बढ़कर स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एक्सेट्रा बियर करता है। तो सूट सिस्टम जो हम साधारणतया देखते हैं और रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर होता है, दोनों का अपना महत्व है और दोनों अलग अलग तरह से पौधों को जीवित रखने के लिए काम करते हैं। तो हम लोग देखें कि रूट जो जमीन के अंदर होता है, और जनरली हम लोग महसूस करते हैं कि जमीन के अंदर जो है उसका काम कम होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर हम उनके मोटे तौर पर कार्यों की समीक्षा करें तो सबसे पहले रूट पौधे को स्थिर करता है। अगर रूट ना रहे तो पौधे स्थिर नहीं रह पाएंगे, आंधी तूफान के जितने भी उस पर प्रभाव पड़ते हैं वो रूट सिस्टम ही झेलता है या उसको स्थिर करता है। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि जमीन के अंदर से पानी और जितने भी खनिज लवण मिनरल्स हैं वे सबको एब्जॉर्ब करके पौधा को देता है, और साथ साथ सॉइल पार्टिकल्स को जड़ के अगल बगल स्थिर रखने में सहायता करता है। अगर सूट सिस्टम को देखा जाए तो सारी प्रक्रियाएं, सारी बातें सूट सिस्टम में देखी जाती हैं। स्टेम जिस पर लीव्स लगे हुए होते हैं और लीव से फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं या सहायता करते हैं। फ्लावर्स जिससे फ्रूट्स बनते हैं, तो अगर फ्लावर से फ्रूट्स ना बने, सीड्स ना बने, तो फिर पौधा की आगे की प्रक्रिया, उसकी संतति आगे नहीं बढ़ पाएगी। और एक और बांटने का तरीका है जो पौधों को उनके प्रजनन के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक वे भाग, ये पार्ट्स जो पौधों के ग्रोथ डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं, जिसे वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, उसमें रूट, स्टेम, लीव सारे आते हैं। और दूसरा जो प्रजनन या रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या उसके द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संचालित होती है, उसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और उसी में फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स के जगह पर फ्रूट्स लगते हैं, और फिर फ्रूट्स धीरे धीरे डेवलप करते हैं जिसमें सीड्स लगते हैं, और फिर सीड से जर्मिनेशन के बाद नए पौधे लगते हैं। तो आगे हम लोग रूट सिस्टम की चर्चा करेंगे कि रूट की संरचना किस तरह से होती है, कितने तरह के रूट होते हैं, उनका किस परिस्थिति में किस तरह से कार्य करना होता है, इन सारी बातों को आगे हम लोग रूप में देखेंगे। धन्यवाद।